बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। हाँ बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम एक नए अध्याय के साथ आपके साथ हैं और हमारा अध्याय जो चल रहा है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और बच्चों, इसमें हमने जो लास्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था चालकता, और मैंने आपको बच्चों चालकता के बारे में बताया था कि किसी भी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम उसकी चालकता कहते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि किसी भी चालक के अंदर जो प्रतिरोध है वो कैसे उस चालक के अंदर आ जाता है, ठीक है, अशुद्धियों के रूप में आ जाता है, और वो फिर वो कैसे विद्युत धारा के प्रवाह में एक रुकावट डालता है, और उस रुकावट को हम उसका प्रतिरोध कहते हैं, और उस प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम उसकी चालकता कहते हैं। बच्चों, चालकता के मैंने आपको तीन प्रकार बताए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने बोर्ड में भी मेंशन किया हुआ है चालकता के प्रकार। तो बच्चों, आपको मैंने चालकता के तीन प्रकार बताए। चालकता का सबसे पहला प्रकार है विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में विशिष्ट चालकता आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया था, और मैं विशिष्ट चालकता आपको समझा चुका था, ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। दोनों के स्टेटमेंट को एक साथ लेने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ पाओ कि इन दोनों में एक क्या एक रूपता है और क्या इनके बीच में भिन्नता है ना, उससे आप समझ पाओगे। तो बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, मैं जल्दी से दोनों ही प्रकार की चालकताओं के लिए आपको टॉपिक क्लियर कर देता हूं। बच्चों, एक तरफ मैं आपको तुल्यांकी चालकता का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, और दूसरी तरफ मैं आपको मोलर चालकता का डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, दोनों ही प्रकार की चालकताओं को भली भांति समझने के लिए हमको सबसे पहले सेल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो बच्चों, हमको क्या चाहिए सबसे पहले? सेल। हम तुल्यांकी चालकता की बात करें, हम मोलर चालकता की बात करें, या फिर हम विशिष्ट चालकता की बात करें, इनको डिफाइन करने के लिए, इनको परिभाषित करने के लिए हमको सेल की आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले सेल की बात करेंगे। अब ये जो सेल शब्द है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है आपके लिए, तो इसका इसको समझना भी समय के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल कपड़ों की हो सकती है ना, मोबाइल फोन को भी सेल बोलते हैं, कुछ बेचने की प्रक्रियाओं को भी लोग सेल कहते हैं। यहां पर हम जिस सेल की बात कर रहे हैं बच्चों, ये वो सेल है जिससे हम रोशनी लाइट प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा हमारे घरों में दीवार घड़ियां होती हैं, घड़ी को चलाने के लिए हमको जिस सेल की जरूरत होती है, मैं उस सेल की बात कर रहा हूं। कार होती है, ठीक है, बैटरीज लगती हैं उनमें, उनको चलाने के लिए। आजकल घरों में आकस्मिक अगर लाइट गोल हो जाती है ना, लाइट अवरुद्ध हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इमरजेंसी लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो उस इमरजेंसी लाइट को वापस चलाने के लिए, लाइट को प्रकाशित करने के लिए हमको सेल की आवश्यकता होती है, जिसको हम कई अलग रूप में जानते हैं, जनरेटर वटेवर वटेवर, ठीक है। तो होप सो आपको सेल समझ में आया होगा क्या है। इसके बारे में और भी जो ज़्यादा जानकारी है वो हम समय के साथ लेंगे। तो जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पर। सेल, सेल का निर्माण आपको मैं सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मेरे पास एक पात्र है, मैंने एक कांच का पात्र ले लिया। बच्चों उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें धातु के दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, ठीक है। इस तरह से मैंने उसमें धातु के दो इलेक्ट्रोड डाल दिए। ये धातु के इलेक्ट्रोड है। अब ये किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, ठीक है, इनसे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 11th क्लास में आप लोगों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा होगा, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपने पढ़ा कि हम सेल के निर्माण में धातुओं के युग्म को किस प्रकार चुनेंगे, उनमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, उसी के आधार पर चुनकर हम यहां पर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी के संदर्भ में नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज 11th क्लास की वीडियो में जाकर आप उस सेक्शन को देख लीजिए और उसको समझ लीजिए, और फिर आप यहां पर आकर इस वीडियो के साथ कनेक्ट होइए। तो दो इलेक्ट्रोड ले लिए हमने धातु के। उसके बाद बच्चों, हम इस पात्र में
विद्युत अपघट्य पदार्थ का जलीय विलयन रख देंगे, ठीक, इस तरह से। ये विद्युत अपघट्य पदार्थ का जलीय विलयन है। मैं बता देता हूं कि इसमें रखा गया विद्युत अपघट्य थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए जल है, सोडियम क्लोराइड के साथ जल है, यानी मैंने सोडियम क्लोराइड को जल में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, विद्युत अपघट्य के रूप में, और हमने क्या किया, विलयन के रूप में उसको बना दिया। अब ये जो विलयन हमने बनाया, तो मैं आपको इसकी सांद्रता बता देता हूं। यहां पर जो विलयन होगा बच्चों, तो वो विलयन होना चाहिए कैसा, एक नॉर्मल, यानी कि विलयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, वन नॉर्मल होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात बच्चों, कि दोनों इलेक्ट्रोड की जो बीच की दूरी है, ये दूरी L बराबर 1 मीटर, ठीक है, या फिर ये सेंटीमीटर भी हो सकती है, ठीक है, यूनिट का केवल फर्क है। अगर आप ऐसा यूनिट में लोगे तो मीटर, और अगर आप सीजेस यूनिट में लोगे तो सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रोड है बच्चों, तो इसकी जो मोटाई है ना, ये वाला एरिया, हम इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो बच्चों ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ये होगा ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, या फिर बच्चों ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, फिर वही चीज, यूनिट का डिफरेंस आएगा केवल, ठीक है। तो इस टॉपिक में तीन महत्वपूर्ण बातें निकल कर आ रही हैं। पहली बात निकल कर आ रही है कि आप अपने सेल में जो विलयन लोगे उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, वन नॉर्मल। दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर। जबकि इलेक्ट्रोड की जो मोटाई है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो होना चाहिए बच्चों कितना, वो होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर। अगर इस कंडीशन में, इस कंडीशन में बच्चों, आप इस सेल की सबसे पहले क्या निकाल लो, विशिष्ट चालकता निकाल लो, यानी कि आप क्या निकाल लो, उसका कैप्पा, ठीक है, और फिर विलयन के कुल आयतन को अगर मैं वी बोल दूं, तो कुल आयतन से उसको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो विशिष्ट चालकता और कुल आयतन के गुणनफल को हम उस विलयन की क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसकी तुल्यांकी चालकता, ये कहलाएगी उसकी तुल्यांकी चालकता, ठीक है। अभी तक मेरी बात समझ में आई? अब बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं इसको समीकरण एक बना लूं, ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, वी का मान आपको बता रहा हूं। जो वी का मान है बच्चों, वो होता है वी इज इक्वल टू 1000 अपॉन NEQ। यहां पे जो NEQ है, ये नॉर्मेलिटी है ना, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता को डिफाइन करता है। मैं इसको बोलता हूं समीकरण नंबर 2। फाइनली क्या होगा, मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर सकता हूं, वी की वैल्यू को रख सकता हूं। जब मैं रखूंगा तो आपको जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए मैं यहां पे रिटर्न कर देता हूं, तो बच्चों वो हो जाएगा λEQ इज इक्वल टू कैप्पा इंटू, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस वी को हटा देता हूं और उसकी जगह में ये वैल्यू पूरी रख देता हूं, 1000 बटे NEQ। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटू 1000 और बटे में आ जाएगा NEQ, ठीक। तो ये जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हो, ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों हमारी तुल्यांकी चालकता, ये तुल्यांकी चालकता है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, आगे चलेंगे और हम जल्दी से मोलर चालकता की बात करेंगे। तो मोलर चालकता को डिफाइन करने के लिए बच्चों मुझे पुनः सेल की आवश्यकता है, तो मैं फिर से सेल ले लेता हूं। ध्यान दीजिए, फिर वही चीज कि मैंने कांच का पात्र ले लिया, कांच के पात्र में मैंने विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन रख दिया, वो जलीय विलयन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको पुनः बोलता हूं कि सपोज अगर मैंने एसिटिक एसिड ले लिया CH3COH और उसको मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, फिर मैंने इसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए पूर्वानुसार ही। इसके उपरांत आपको बता दूं कि यहां पर जो विलयन है इसकी सांद्रता आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसकी सांद्रता हम लेंगे 1 मोलर। बस इतना डिफरेंस आपको रखना है कि जब आप तुल्यांकी चालकता को डिफाइन कर रहे हो तो विलयन की सांद्रता हम 1 नॉर्मल रखते हैं, लेकिन जब हमको मोलर चालकता को डिफाइन करना होता है
तो विलयन की सांद्रता को हम 1 मोलर रखते हैं। अब 1 मोलर कैसे बनाएंगे ये विलयन वाले चैप्टर में आपको ऑलरेडी बताया गया है और आपने वहां पर इसको पढ़ रखा हुआ है, तो उस सेक्शन में जाकर आप इसके बारे में समझेंगे कि विलयन कब एक नॉर्मल होता है या विलयन कब एक मोलर होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप विलयन वाले चैप्टर में जाकर देख लीजिएगा। बच्चों मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, तो जैसा कि आप देख रहे हो इस सेल में हमारी विलयन की सांद्रता 1 मोलर होगी, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एल बराबर वही 1 मीटर या फिर बच्चों ये होगा सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर या फिर वही सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लगभग समानता भी आप देख पा रहे हो और क्या डिफरेंस है वो भी आप देख पा रहे हो। इस कंडीशन में आपको मैं बता दूं, इस कंडीशन में जबकि आप इस तरह का एक सेल लोगे तो बच्चों विशिष्ट चालकता को उसके आयतन से जब आप गुणा करोगे तो आप देखोगे कि अब आप इस चालकता को क्या बोलोगे, उसकी मोलर चालकता, ये उसकी मोलर चालकता कहलाएगी। तो बच्चों इस प्रकार हम मोलर चालकता की गणना कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। दोनों में सिमिलैरिटीज देखिए और डिसिमिलैरिटीज देखिए। तुल्यांकी चालकता में विलयन की सांद्रता 1 नॉर्मल है जबकि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर है। मोलर चालकता में सांद्रता 1 मोलर है लेकिन दूरी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेम है, जबकि प्रारंभिक डेफिनेशन में भी समानता पाई जा रही है कि विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल तुल्यांकी चालकता है और विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल मोलर चालकता है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है उसकी विलयन की सांद्रता का। बच्चों ये समझ लीजिए कि जब आप विलयन की सांद्रता 1 नॉर्मल रखेंगे तो आप तुल्यांकी चालकता बोलेंगे और जब 1 मोलर रखेंगे तब उसको आप मोलर चालकता बोलेंगे। बाकी का कॉन्सेप्ट वही है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूं। वी की वैल्यू इस बार हो जाएगी बच्चों 1000/m आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं समीकरण 2 बोलता हूं। समीकरण 1 से 2 में जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा तो वैल्यू हो जाएगी लैम्डा एम इज इक्वल टू कैप्पा इंटू 1000 बच्चों बटे में आ जाएगा एम। यहाँ पे एम जो है वो मोलरता को या मोलर क्वांटिटी को डिफाइन करता है। इस तरह से ये एक यूनिट आपको देखने को मिलेगी। होप तो आपको अभी तक ये तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता समझ में आई है। बच्चों आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं अब यहां पर, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप मिसमैच हो रहे होगे क्योंकि मैंने आपको विशिष्ट चालकता काफी पहले पढ़ा रखा है तो थोड़ा सा वो आपको ऐसा ना लगे कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया सा है, तो मैं एक बार जल्दी से विशिष्ट चालकता आपके सामने ले लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए विशिष्ट चालकता लेने जा रहा हूं आपके सामने। बच्चों विशिष्ट चालकता को समझने के लिए बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, मैं फिर से सेल ले लेता हूं। मैंने सेल ले लिया बच्चों, सेल में मैंने धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, इसमें किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन को रख दिया। ठीक है, वही लेट कर लेते हैं कि सपोज सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर है। मैं अब आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि यहां पर जो विलयन होगा उसकी सांद्रता जो होगी वो सांद्रता कैसी होगी, अज्ञात होगी। आपको अपने दिमाग में ये चीज बिठा के रखनी है कि जब आप कोई एक ऐसा सेल बना रहे हो जिसमें रखे गए विलयन की सांद्रता अज्ञात हो लेकिन 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L बराबर 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना इलेक्ट्रोड की मोटाई A बराबर 1 मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इस कंडीशन में आपको अगर ध्यान होगा तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले एक केस अप्लाई करेंगे और वो केस होगा कि जो प्रतिरोध है वो उनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समान अनुपाती, जबकि इलेक्ट्रोडों के बीच की सॉरी इलेक्ट्रोड की मोटाई यानी उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम इसको संबंध 1 और इसको संबंध 2 बोलकर दोनों संबंधों को मिलाएंगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए आ जाएगा। बच्चों मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटा दूंगा तो आर इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट ले रो इंटू एल अपॉन ए। यहां पर ये
डेरिवेशन आ जाएगा बच्चों, जो कि प्रतिरोध की गणना व्यक्त करता है। किसकी गणना को व्यक्त करता है? प्रतिरोध की। यहां पर ये जो रो आप देख पा रहे हो ना, इस रो को हम कहते हैं बच्चों, इस रो को हम कहते हैं विशिष्ट रोध, इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, मतलब ये कोई साधारण बात नहीं हुई, ये विशिष्ट हो गया। अब एक शर्त लगानी है, शर्त क्या है ध्यान दीजिए, शर्त है यदि एल बराबर 1 मीटर और ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, आप इनके साथ या करके सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों वैल्यू जैसे ही बच्चों आप इस सूत्र में रखोगे, है ना, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए में, तो इस सूत्र से आपको देखो क्या मिलता है, तो आपको मिलेगा आर इज इक्वल टू रो। इसका मतलब ये हुआ कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वही साधारण प्रतिरोध के तुल्य भी होता है, बस शर्त है कि जो सेल हमने बनाया है उस सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 मीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो, प्रत्येक इलेक्ट्रोड की जो मोटाई है वो 1 मीटर स्क्वायर हो या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो उस साधारण प्रतिरोध को ही हम उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहने लगते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है बच्चों, आपको याद होगा कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हमने उसकी चालकता बोला था, ठीक उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का अगर मैं व्युत्क्रम लेता हूं तो हम बच्चों उसको बोलेंगे उसकी विशिष्ट चालकता, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैप्पा से। तो इस तरह से हमारे पास कैप्पा भी आ जाएगा। ठीक है, हमने समझ लिया यहां पर कि विशिष्ट चालकता क्या है। तो बच्चों होप सो आपको चालकता में जो अंतर थे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और किस तरह से इन चालकताओं को आपको डिफाइन करना है आपको वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ।